वेरी गुड आफ्टरनून आज हम लोगों ने डील करना है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बायोलॉजी का वो चैप्टर जिसमें जेनेटिक्स के फाउंडेशन uh, को समझन, समझना है आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोगों ने प्रिंसिपल्स और मेंडल के लॉज को स्टडी किया था अब हम लोग उसे और अंदर वाले लेवल में दैट इज मोलिकुलर बेसिस में जाएंगे इसमें समझने के लिए इसे डेप्थ में समझने के लिए वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है और किस तरह से हम लोगों के जो फीचर्स है वो अगले जनरेशन में जाते हैं किस तरह वो हिडन रह जाते हैं कौन से वेरिएशंस हैं जो आपके बेबी में नहीं जाएंगे और कौन से वेरिएशंस है जो 100 परसेंट जाएंगे यहां पर अगर हम लोग दो किस्म के वेरिएशंस की बात करें तो एक होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस जेनेटिक वेरिएशन वो होते हैं जो क्रोमोजोम से एसोसिएटेड होते हैं और सोमैटिक क्लोज लुक एट द वर्ड सोमैटिक ये वो वेरिएशन होते हैं जो वेजिटेटिव हैं मतलब आपकी बॉडी में करवाया हुआ वो चेंज जो आपने अपने पैदा होने के बाद करवाया वो आपके बेबी में नहीं जाएगा फॉर एग्जाम्पल ईयर पियर्सिंग इज वन ऑफ द फीचर्स फॉर एग्जाम्पल कर्लिंग ऑफ हेयर इज वन ऑफ द फीचर्स बॉडी बिल्डिंग इज वन ऑफ द फीचर्स इसमें क्या है कि जो आपने खुद कराया है वो आपके बेबी में नहीं जाएगा क्योंकि ये आपने पैदा होने के बाद कराया है ईयर पियर्सिंग पियर्सिंग नोज भी इसी में आ जाता है इन वेरिएशन को टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से हम समझेंगे और फिर इनके मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में हम पहुंचेंगे सबसे पहले बात करेंगे इन की द एंड द जेनेटिक वेरिएशन सोमैटिक वेरिएशन आर दोज वेरिएशन विच आर हाईली वेजिटेटिव ये वो वेजिटेटिव वेरिएशन हैं जो आपकी बॉडी में सिर्फ बाकी के ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होंगी और इसमें सेक्स सेल्स का कोई लेना देना नहीं होगा वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब कि आप लोगों की बॉडी का नोज हो गया आपकी हेल्थ हो गई मसल्स हो गए उनमें वो वेजिटेटिव पार्ट्स पर ही असर करेंगे और वो आपके बेबी में नहीं जाएगा ये इनके जो रीजन है वो ये है दोज वेरिएशन विच आर नॉट गोइंग टू एंटर इन टू योर चाइल्ड एंड दे विल बी रिमेन कंफाइंड टू यू ओनली आर नोन एज सोमेटिक वेरिएशन इसके है सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स दूसरा जो इसका रीजन है वो है यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स और तीसरा है कॉन्शियस एफर्ट्स बॉयज एंड गर्ल्स अब इस चीज को आप जरा ध्यान से सुनेंगे कि क्या है इन तीनों में सोमैटिक वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं जो हम लोगों की बॉडी के अंदर पैदा होने के बाद हम क्रिएट करते हैं बाहर के किसी फैक्टर के वजह से किसी फीचर के वजह से और ये फैक्टर्स आप लोगों के मरने के साथ ही खत्म हो जाते हैं अब इसमें कौन से कौन से चीजें आती हैं जो हम या तो हमने खुद ने कराई है या नेचर ने कर डाली जैसे कि एनवायरमेंट अगर किसी पर्सन का हाथ किसी एक्सीडेंट में कट जाता है तो उसके बच्चों के हाथ कटे हुए नहीं होते क्योंकि ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है और किसी एक्सीडेंट के वजह से उसका एक ऑर्गन उसकी बॉडी से अलग हो गया है यूज एंड डिस ऑफ ऑर्गन की बात करें तो जिस पर्सन का कोई भी ऑर्गन वो ज्यादा यूज करेगा वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा और कम यूज करेगा तो कम डेवलप हो जाएगा टेक एन एग्जाम्पल अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि टीचर्स की आवाज बड़ी बोल्ड होती है क्योंकि वो लोग अपने इस ऑर्गन को दैट इज लैरिंग्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं सिमिलरली जो एथलीट्स होते हैं उन लोगों के पैरों के मसल्स बड़े अच्छे डेवलप्ड होते हैं क्योंकि वो लोग दौड़ते भागते रहते हैं सिमिलरली <coughs> जो जिस पर्सन को राइटिंग लिखने या टाइपिंग की आदत होती है उसकी उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो जिस तरह से आप किसी भी ऑर्गन को जरूरत से ज्यादा यूज करते जाओगे तो उस चीज में आप एफिशियंट हो जाते हो यूज एंड डिस ऑफ ऑर्गन लेक की दी हुई थीरी ही है कि द ऑर्गन विच इज यूज मोर डेवलप्स मोर यहां पर मैं ये वाली बात जरूर करूंगी कि जब आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन ज्यादा यूज होने लग जाता है तो उसकी डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होती है तो आप बड़ी आसानी से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि आपके मुंह के अंदर जो कैनाइन हैं वो क्यों धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गए हैं वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से हैं वो जो डेवलप ही नहीं करे एक टाइम के बाद उनका फंक्शन ही खत्म हो गया अपेंडिक्स वो भी खत्म हो गया उसका रीजन क्या है द यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन अपेंडिक्स जो बहुत अच्छी तरह से यूज होता रहा है उसका यूज धीरे धीरे खत्म हो गया वॉट रीजन क्योंकि अब अपेंडिक्स यूज नहीं होता तो उसी तरह से यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन इस चीज को डिपिक्ट करता है कि द ऑर्गन विच इज यूज मोर डेवलप्स मोर अगली बात करते हैं कॉन्शियस एफर्ट की नाम से समझ में आ रहा है कॉन्शियस का मतलब होश में तो वो चेंजेस जो आपने होश में कराया एक्सीडेंट तो आपका नेचर नहीं करा दिया या कोई पर्सन काला हो जाता है काला हो गया सपोज तो वो भी नेचर ही करा रहा है इसमें हमारा क्या दोष है लेकिन कॉन्शियस एफर्ट होता है जो आपने खुद कराया जैसे ईयर पियर्सिंग हेयर पियर्सिंग और बॉडी बिल्डिंग जो आपने अपने होश आवाज में कराया है वो आपके बेबी में कभी नहीं जाएगा वो आप तक ही कन्फाइंड रहेगा क्योंकि इसमें किसी भी केस में आपका क्रोमोजोम डिस्टर्ब नहीं हुआ है तो ये तीन वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो सोमेटिक वेरिएशंस को डिपिक करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस में दो ही किस्म के वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाते हैं एक होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस एक होते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन वो होते हैं जो हर हाल में आपके अगले जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन वो होते हैं जो कभी कभी आया कभी कभी नहीं आया जैसे कि अगर आपका स्किन कलर डार्क है तो आपके बेबी में आ भी सकता है डार्क हेयर स्किन कलर नहीं भी आ सकता है तो इसे हम डिस्कॉन्टिन्यूस वेरिएशन कहेंगे पर आपके बेबी में आने वाले कौन से फीचर्स है जो पक्का ही आएंगे जैसे कि दो आंखें एक नाक बाल दो टांगे दो हाथ तो ये कौन से हैं कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूअस जो कभी कभी नजर आते हैं किसी किसी जनरेशन में और किसी किसी जनरेशन में नहीं आते मोलिकुलर बेसिस की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की क्योंकि अब हम चलेंगे और अंदर कि व्हाट इज द थियरी क्यों दिखना है पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं पेरेंट्स जैसे उसमें डीएनए की बात करेंगे वॉटसन और क्रिक मॉडल का डीएनए का स्ट्रक्चर है सभी बच्चों को अच्छी तरह से याद होगा कि यहां पर ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका ये लैडर बना हुआ है और इसके अंदर बेस पैर लगे हुए हैं बैकबोन है फॉस्फेट ग्रुप का और बीच में आप लोगों के लैडर के बीच में ये स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जिसे आप लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हो आपने याद रखना है कि एक टर्न जो है दस बेस पैर के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बेस पेयर के बाद एक ट्विस्ट या एक टर्न आ जाता है थ्री पॉइंट फोर का और ये जो टर्न है इसको हम लोग उस हिसाब से हेलिक्स कहते हैं डीएनए का हेलिक्स ये जो बेस पेरिंग है ये किस हिसाब से होता है अगर हम इन फॉस्फेट ग्रुप्स को खोल लें इस लैडर लाइक स्ट्रक्चर को खोल लें तो एडिनाइन और की बेस पेयरिंग होती है और ग्यूवन और साइटोसिन की बेस पेयरिंग होती है मतलब ए की बेस पेरिंग आपने टी के साथ शो करनी है डबल बॉन्ड और जी की सी के साथ शो करनी है ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब ये दिस इज नोन एज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी इसका मतलब समझेंगे वॉट इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी इसका मतलब कि अगर आपका ये वाला स्ट्रैंड अगर आपका एक स्ट्रैंड ए ए टी जी सी शो कर रहा है तो जो आपका दूसरा स्ट्रैंड होगा वो आप बड़े आराम से बता सकते हो दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा इस रूल के हिसाब से टी टी ए, ए जी इसे हम कहते हैं बेटा टेम्पलेट और ये जो दूसरा स्ट्रैंड बनाया है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और इसी को कहते हैं रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी सो व्हाट इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी कि ए की बॉन्डिंग जी के साथ और सी की ए की टी के साथ और जी की के साथ ही होगी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे इस हिसाब से आप किसी भी इंसान का डीएनए स्टडी कर सकते हो मैं आपको बता दूं कि ये इतने लंबे फीचर्स होते हैं कि ये किसी भी दो इंसानों के सेम नहीं हो सकते सेम नहीं हो सकते कहीं ना कहीं किसी एक अल्फाबेट की गड़बड़ भी आपको दूसरे पर्सन से डिफरेंट कर देती है अगर ये रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी आपको समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए एक्चुअली पैक्ड कैसे है डीएनए के ये पतले पतले हेलिकल धागे एक्चुअली स्ट्रैंड्स बनाते हैं धागे जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं समझ लीजिए कि ये वो थ्रेड है और ये थ्रेड लिपटे हुए हैं छोटे छोटे बॉल लाइक -like स्ट्रक्चर्स पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये रहा आपका सेल सेल के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमैटिन नेटवर्क के ऊपर डीएनए तो आप सोच के देख लीजिए कि डीएनए कितनी अंदर जाके पैक्ड है तो इसकी पैकिंग किस तरह से हुई पड़ी है इस पर नीट में क्वेश्चन कैसे आ जाता है आपको इस तरह के इनकम्प्लीट डायग्राम बना देते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है ए क्या है बी क्या है सी क्या है तो आपने बेटा याद रखना कि ये जो मैंने गोल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियो क्योंकि इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है ये देखो तो ये न्यूक्लियो है डीएनए ने टर्न ले रखी डीएनए लिपटा हुआ है इसके ऊपर तो ये न्यूक्लियो है अगर आपको बिना डीएनए का न्यूक्लियो नजर आ रहा है तो सॉरी टू से वो न्यूक्लियोजोम होगा ही नहीं वो क्या होगा उसे हम कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामर दो तीन चार पांच छ सात आठ अब ये एट ऑक्टामर एट बोला तो ऑक्ट oct. ये ऑक्टामर क्या है ये एक किस्म का प्रोटीन है जो हिस्टोन प्रोटीन हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन जुड़कर इस तरह के ऑक्टामर बनाते हैं ये भी तो ऑक्टामर है ये भी ऑक्टामर है ऐसा और ऑक्टामर है जब इन हिस्टोन ऑक्टमर्स पर डीएनए लिपटना शुरू हो जाए पैकिंग के लिए तैयार हो जाए ऊन के गोले की तरह नजर आता है फर्क सिर्फ इतना है कि इनका ये जो लिपटना है ये सिर्फ छोटे स्ट्रैंड तक ही होता है देखें कैसे एक तो पूरा टर्न हो गया और दूसरा पूरे से थोड़ा कम इसका मतलब हम कहेंगे वन थ्री फोर्थ एक तीन चौथाई टर्न्स वन थ्री फोर्थ टर्न्स अगर आप इसको डेसिमल में सुनना चाहते हैं इट इज 1.8 पॉइंट टर्न इसका मतलब पूरे दो टर्न से थोड़ा सा कम डीएनए के ये धागे इस तरह लिपटते हैं फिर दूसरा ऑक्टोमर आ गया उस पर लिपट गए तीसरा उस पर वन थ्री फोर टर्न चौथा पांचवा इस तरह से बहुत सारे ऑक्टोमर्स इसके ऊपर वाइंड अप होते चले जाते हैं ये जो बीच में डीएनए आपको नजर आता है इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए पैकेजिंग का हिस्सा है ये भी इस तरह के कई सारे छोटे छोटे ऑक्टमर्स बीड जैसा स्ट्रक्चर बीड जैसा अपियरेंस देते हैं ऐसे समझ लो कि कोई मोतियों की माला है और उसके बीच में जो आपको धागा नजर आ रहा है वो लिंकर डीएनए है इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सोलानोइड कहते हैं सोलानॉइड आगे जाके बहुत सारे बत्तीस बत्तीस सोलानॉइड के ग्रुप्स आपके सेल के अंदर क्रोमैटिन के धागे बना देते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस से रिलेटेड है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर यही क्रोमैटिन क्रोमोजोम बन जाते हैं यही क्रोमोजोम क्रॉसिंग ओवर करके इन डीएनए को डीएनए का आदान प्रदान करते हैं इन्हें आपस में एक्सचेंज करते हैं और आपके अंदर आपके मॉम डैड दोनों के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आप इजिली अंदाजा लगा सकते हो बॉयज एंड गर्ल्स कि किस तरह से कितनी बारीकी है साइंस में कहा जाके इस चीज का पता लगाया गया कि क्यों हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं यू कैन इजिली मेक आउट इस वक्त हम लोग मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं और मोलिक्यूल लेवल पर बात करेंगे डीएनए की बात करें तो कई बातें सामने आई सभी को पता है कि डीएनए से डीएनए बनता है अटेंटिव रहेंगे डीएनए से डीएनए बनता है डीएनए से डीएनए बनने को हम कहते हैं रेप्लीकेशन बेटा अब रेप्लीकेशन की क्यों जरूरत है वो जरा मैं आपको अभी साइड में बता देती हूं अब आपको पता है बेटा कि आप में से यहाँ पर इसे याद रखना कितना ईजी है यहां पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं आपको पता है कि आपके मॉम जो है वो आपके दहेज के बारे में सोचते रहते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने आपको डाउरी देना है ध्यान रहे मैं इस वक्त टॉपिक के अंदर ही हूँ और एग्जाम्पल ऐसा दे रही हूं क्योंकि बच्चों को लर्न हो जाएगा अगर आपके मम्मा आपको डाउरी देते हैं अपनी खुशी से तो वो जो भी डाउरी में सामान देते हैं अपने घर का तो नहीं उठा के दे देते न्यू खरीदेंगे तभी देंगे उसी तरह से एक सेल जब दूसरा सेल बनाता है तो नए सेल को उसने जो सामान लाइक अ डाउरी देना है वो उसने अपने सेल का उठाकर नहीं देना है वो उसने सेल के अंदर ऑलरेडी न्यू डाउरी दैट इज न्यू सेल्स बनाने हैं और वो इसे देना है यहां पर जिसे मैं बार बार डाउरी कह रही हूं वो डाउरी नहीं है उसे आप डीएनए ले लो अब अगर मैं मैं कोई सेल हूं और मैं अपना ही डीएनए आगे दे रही हूं तो मेरे पास डीएनए कहां बचेगा इसीलिए सेल अपने अंदर डीएनए का डबलिंग कर देते हैं उस डबलिंग को कहते हैं रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन इज वेरी क्लोजर टू द वर्ड डुप्लीकेशन हर बच्चा समझता है रेप्लिका एवरीबडी नोज रेप्लिका का मतलब है डुप्लीका और डुप्लीका का मतलब है डुप्लीकेट उसी तरह से रेप्लीकेशन का मतलब है डीएनए से एक और डीएनए तैयार हो जाना डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लीकेशन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बी अटेंटिव ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से अमीनो एसिड आपके कई बुक्स में प्रोटीन लिखा हुआ है बेटा बात एक ही है बात एक ही है ठीक है डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लीकेशन डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से अमीनो एसिड या प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं हम सभी की बॉडी में ये तीनों चीजें होनी जरूरी है लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं जब बात करते हैं इंसान की बॉडी की तो हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल है डीएनए लेकिन वायरसेस की बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता अगर डीएनए उनकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो उनकी बॉडी में क्या है जेनेटिक मटेरियल उनकी बॉडी में जेनेटिक मटीरियल है आर फिर ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ऐसे केस में आर सीधे ट्रांसलेशन तो करेगा नहीं इस आर ने पीछे को रिवर्स गियर लगाना है रिवर्स गियर लगाना है और दोबारा डीएनए बनाना है जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि डीएनए से डीएनए बनाने को रेप्लीकेशन कहते हैं डीएनए से आर बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आर एसिड बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं तो अगर आप आर से पीछे को आ रहे हो तो अब इसे क्या नाम देंगे इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा चल के पहले ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना होगा डीएनए बनाना होगा इसका मतलब कि वायरसेस में पहला स्टेप ये होगा दूसरा स्टेप होगा रेप्लीकेशन तीसरा होगा ट्रांसक्रिप्शन चौथा होगा ट्रांसलेशन तो उनमें फोर स्टेप्स होते हैं और हम में क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो हम में ये तीन स्टेप्स ही होंगे रेप्लीकेशन कैसे होती है इसके लिए ध्यान देंगे आप कि वॉट एक्चुअली रेप्लीकेशन इज एंड हाउ डज इट अकर रेप्लीकेशन का मतलब डीएनए के इस धागे को खोलना है आपने और इस धागे को खोलकर आई रिपीट यहां पर जरा स्ट्रैंड को ध्यान से देखिए ये एक गुप्त की तरह एक चोटी की तरह बना हुआ है जैसे ही ये धागा खुलेगा तो आपने इसने एक धागे का आपने इसे टेम्पलेट पकड़ना है और दूसरा धागा आपने रिपीट करके बना लेना है सेल के अंदर सेल ये काम कैसे करता है टेम्पलेट मिलते ही सेल को एक तरीके से पासवर्ड मिल जाता है पासवर्ड मतलब ए टी टी जो भी इस बंदे का डीएनए यहां पर होगा उसके जैसा यहां पर दूसरा बनेगा और रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी अब तक तो सबको पता चल गया है कि ए का कॉम्बिनेशन टी के साथ और जी का ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ इसके रूल के हिसाब से अगर एक धागा भी पासवर्ड के तौर पे मिल जाए तो दूसरा स्ट्रैंड सेल्स अपने आप बना लेते हैं ये रहा बेटा वो धागा खुल गया है ये वो स्ट्रैंड पूरी तरह से खुल गया है एक लंबा स्ट्रैंड एक छोटा स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड को खोलने के लिए मददगार कौन है ये जो मैं इस डायग्राम पे शो कर रही हूं ये मददगार है द टोपो आइसोमरेजेज लेकिन उससे पहले आपके स्टेप्स क्या हैं आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर ये स्टेप्स आप लोग नोट डाउन कर लो इसके डीएनए के रेप्लीकेशन में आपका पहला स्टेप है ओराई ओराय का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन डीएनए ने डबलिंग शुरू करनी फोटो कॉपी करनी है स्टार्ट कहां से करना है जहां से ओरिजिन होती है उसे ओराई कहते हैं समझ लो ओरिजिन यहां से हुई है यहां से रेप्लीकेशन बिगिन करनी है धागा खोलना है डीएनए का तो इसे हम ओराई कहते हैं हम लोग यू सेल्स हैं इसीलिए हमारे में एक से ज्यादा ओराय हो, हो सकते हैं लेकिन ईकोलाई e. जैसे बैक्टीरिया में जो ये ओराय हो होता है वो एक भी हो सकता है और सम केसेस में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अब ये एक्टिवेशन किसका करना है सेल के अंदर सेल के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा है जैसे अगर आपने चाय बनाना है तो आपको पता है आपको किन चीजों की जरूरत है उसी तरह से अगर सेल ने रेप्लीकेशन करना है तो सेल को किन चीजों की जरूरत होगी सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो है और सेल को जरूरत होगी ए की ए की ए की जरूरत है टी की जरूरत है सी की और जी की रेप्लीकेशन के लिए इन तीन चार चीजों की जरूरत है और ये तीन चार चीजें यहां पर एक्टिवेशन करवाने के टाइम पर आपने यूज करनी है एक्टिवेशन कैसे करनी है ये सब के सब मोनोफॉस्फेट्स के फॉर्म में है एम पी टीएमपी जीएमपी और सीएमपी अब ये एमपीएमपी क्या है मोनोफॉस्फेट्स। तो ये हुआ एडिनाइन मोनोफॉस्फेट थायमीन मोनोफोस्फेट ग्यूवन मोनोफॉस्फेट एंड साइटोसिन मोनोफोस्फेट एक्टिवेशन कैसे करें ये सब के सब ट्राईफॉर्स् फॉस्फेट्स में कन्वर्ट होंगे सबको पता है मोनो का मतलब वन, ट्राई मतलब तीन। अगर मैं सब में दो-दो फॉस्फेट्स भी लगाऊं तो मेरे पास सभी के ट्राईफॉस्फेट्स आ जाएंगे मतलब टोटल ऑफ आठ। फास्फोरस की इस एडिशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं मोनोफॉस्फेट्स की एडिशन पर एएमपी विल बिकम टीपी टीएमपी विल बिकम टीटीपी सीएम जीएमपी विल बिकम जीटीपी एंड सीएमपी विल बिकम CTP. एक बार ये सारा सामान तैयार हो गया तो रेप्लीकेशन ईजी हो जाती है रेप्लीकेशन के टाइम पर जो तीसरा स्टेप का आपका शुरू हो जाता है वो है अनवाइंडिंग नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अनवाइंडिंग के दौरान वो कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए के इस कॉम्प्लेक्स धागे को खोलते हैं तो अनवाइंडिंग के दौरान ये जो बेटा मैंने बबल जैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं ये रहे थर्ड स्टेप में आने वाले एंजाइम्स इनका नाम है हेलीकेजिस जो हेलिक्स को तोड़ेंगे और दूसरा नाम है टोपो आइसो मरेजेज और टोपो आइसो मिलकर डीएनए के इस धागे को खोल देते हैं हमारे पास एक धागा तैयार है जी एक स्ट्रैंड तैयार है और इस स्ट्रैंड में हमारे पास पासवर्ड रेडी है टेक एन एग्जाम्पल अगर किसी बंदे का टेम्पलेट ए टी टी जी सी है शुरू का तो हमें अब यहां से समान तैयार करना है न्यूक्लियो से समान आपका रेडी है चौथे स्टेप में आपने बेज पेरिंग स्टार्ट कर देनी है बेज पेरिंग चौथे स्टेप में आपने स्टार्ट कर देनी कैसे ए टी पी किसके सामने आएगा रूल ध्यान में रखेंगे साइड में ए के सामने ए तो आएगा नहीं ए के सामने टी आना चाहिए तो यहां से सेल ने टी उठाकर इसके साथ बॉन्ड बना देना है ऐसे टी के सामने ए आ जाएगा फिर टी के सामने ए आ जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड जी के सामने सी और सी के सामने जी तो इस तरह से दूसरा नया धागा क्रिएट हो जाएगा और एक तरीके से पासवर्ड मिलते ही एक किस्म की फोटो कॉपिंग हो गई है ये रहा बेटा वो नया धागा जो रेडी हो रहा है रेप्लीकेशन हो रही है दूसरे धागे को तो अभी डिस्टर्ब भी नहीं किया हमने पहले धागे में रेप्लीकेशन बहुत तेज हो जाती है और इसीलिए इस धागे को आप लीडिंग स्ट्रैंड कहते हो यहां लिख देती हूँ Leading strand. क्योंकि दूसरा धागा जो बहुत ही स्लो एप्लीकेशन शो कर रहा है उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं मतलब जो जो पीछे रह गया which lags behind, और फटाफट तो में आपको दिखाई दे रहा है कि वन थर्ड इज वेरी लॉन्ग एंड अदर थर्ड इज वेरी स्मॉल ये देखने को मिलता है ये थ्रेड धीरे बनता है इसके आगे जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बनते हैं वो ऐसे नजर आते हैं कितनी अजीब बात है थोड़ी देर के बाद वो पीस हो जाता है और दोबारा से रेप्लीकेशन करनी पड़ती है फिर पीस हो जाता है दोबारा से रेप्लीकेशन करनी पड़ती है उल्टे डायरेक्शन में थ्री फाइव डायरेक्शन में होने वाले इस रेप्लिकेशन में ये छोटे छोटे डीएनए के टुकड़ों को हम नाम देते हैं ओकाजाकीज फ्रेगमेंट्स जापनीज साइंटिस्ट ओकाजाकी के नाम के बाद रखा गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और ये छोटे छोटे ओकाजाकीज फ्रेगमेंट एक्चुअली है तो डीएनए ही लेकिन जिसे मैं छोटा बोल रही हूँ इसमें कम से कम दो हजार बेसपे देखने को मिल जाते हैं टू थाउजेंड बेसपेर इन स्मॉल ओकाजाकीज इसके साथ हमें यह पता चल गया कि ऐसे होती है जैसे जैसे रेप्लीकेशन आगे बढ़ेगी आपका लीडिंग स्ट्रैंड और लंबा होता चला जाएगा और लैगिंग स्ट्रैंड छोटा रह जाएगा रेप्लीकेशन होते ही जरा ध्यान देना ये वो आपने जो खोला धागा ये वो जो आपने बनाया इसका मतलब न्यू स्ट्रैंड मिल गया और ये जो इसने बनाया टुकड़ों के फॉर्म में इसका भी न्यूज मिल गया इन इनशल आई कैन से कि एक डीएनए से मुझे दो डीएनए मिल गए हो गई ना एक तरीके से फोटो कॉपिंग या रेप्लीकेशन हर एक डीएनए टूटकर कम से कम दो डीएनए खड़ा कर देता है जिस डीएनए से आपने सारी इंफॉर्मेशन चुराई या एज अ पासवर्ड कॉपी की उसे टेम्पलेट कहते हैं जिस डीएनए से इसे देखकर जो नया डीएनए आपने बनाया इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब होता है वो स्ट्रैंड जो तैयार हुआ है और टेम्पलेट वो जिसमें से आपने सारा का सारा डीएनए का इंफॉर्मेशन मतलब कि ए, टी, जी, सी उठाया है। आगे बात करेंगे अगले स्टेप की वो है इलोंगेशन फिफ्थ स्टेप बेस पेरिंग के बाद इलोंगेशन इलोंगेशन में ओकाजाकिज फ्रेगमेंट भी देखने को मिले एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे proof reading and dna repair ki proof reading and dna repair ab proof kya and dna repair and dna repair now what's this i would really like to cut out a sorry figure for any kind of technological problem that occurs

कि जिस वक्त डीएनए का स्ट्रैंड मल्टीप्लाई कर रहा होता है उस वक्त हमें कैसे पता चलेगा कि जो बेस पेयरिंग हुई है वो बिल्कुल सही एटीजीसी की हुई है इसके लिए बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेजेस वो एंजाइम्स हैं, जो यहां पर आके प्रूफ रीड करते हैं चेक करने के लिए कि बिल्कुल ठीक है जी ए के सामने टी ही लगा है और जी के सामने सी ही है इस चीज को कहते हैं प्रूफ रीडिंग मगर नेचर बहुत कमाल की चीज है वो कैसे बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज पहचानता है कि क्या कोई गलती है और हां जी गलती जरूर होती है कभी कभी टेक एग्जाम्पल जैसे ये सी है सी के सामने आना चाहिए जी एवरीबडी नोज दैट लेकिन अगर सी के सामने टी आ गया तो यहां पर बैक्टीरियल पॉलीमरेज गलती को पकड़ लेता है अब देखो नेचर भी गलती कर सकती है तो इस गलती की फ्रीक्वेंसी कितनी है दस हजार बेस पेयरिंग में एक गलती होगी एक तो फ्रीक्वेंसी इज वन इन वन इन टेन थाउजेंड और अगर यह गलती निकल भी आए तो बैक्टीरियल डीएमएल डीएनए पॉलीमरेज इसे सेंस कर लेता है और डीएनए लाइगेज इस गड़बड़ी को ठीक करता है कैसे उसे तोड़ देता है इट विल ब्रेक दिस जीसी जो गलत आया है जहां पर सी का टी के साथ बॉन्डिंग हो गया यहां पर गड़बड़ हो गई वो इस टी को रिमूव करेगा जी को एड करेगा और डीएनए रिपेयर करेगा स प्रूफ रीडिंग में ये चेकिंग होगी कि सॉरी यहां पर टी नहीं जी लगना चाहिए यह बात बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज पहचान लेगा और डीएनए रिपेयर करवाएगा डीएनए लाइगेज लाइगेज का मतलब है लिगा 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 का मतलब लिगामेंट कोई भी चीज जिसे जोड़ना कह दें वहां पर लाइगेज आ जाएगा बेटा कोई भी वर्ड जो एज से खत्म होता है वो एनजाइम है चाहे वो इससे पहले बात जो मैंने करी है लीकेज वो भी एनजाइम है डीएनए लाइगेज एज आ गया वो भी एंजाइम है इससे पहले मैंने बात की टोपो वो भी एंजाइम है तो ऑल एजेस आर एंजाइम्स इसके साथ प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर भी खत्म हो गया रेप्लीकेशन आपका रेडी हो गया और रेप्लीकेशन के दौरान क्या देखा आपने डीएनए से डीएनए बनने को डीएनए से डीएनए बनने को आपने वर्ड दे दिया रेप्लीकेशन अब डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन ये रिपीट इसलिए करा रही हूं ताकि हर बच्चे को अच्छी तरह से याद हो जाए कि किस तरह से ये होता है ये हो गया आपका ट्रांसलेशन ठीक है अब सेंट्रल डोगमा क्या है व्हाट्स द सेंट्रल डोगमा सेंट्रल डोगमा यही है कि डीएनए से डीएनए तभी बनेगा जब एप्लीकेशन होगी और डीएनए से आरएनए तभी बनेगा जब ट्रांसक्रिप्शन होगी पर बड़ी प्रॉब्लम यह है व्हाट अबाउट दो सेल्स जिसमें डीएनए है ही नहीं उस केस में सेंट्रल डॉगमा काम आता है वो ये कि वायरसेस में डीएनए से डीएनए तो तब बनेगा ना जब डीएनए उन बिचारों के पास तो है ही जेनेटिक मटीरियल तो इन्हें पीछे को जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा बाय एन एनजाइम कॉल्ड बी बाय एन एनजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और हर बच्चा अब समझ गया है कि एज का मतलब है एंजाइम तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने यह काम करा के इन विचारों के लिए दोबारा डीएनए बनाना है और डीएनए फिर से बनेगा इस एडिशनल स्टेप से दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा दिस इज द सेंट्रल डॉगमा इन जेनेटिक्स तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा There is another step occurring that is the reverse transcription, और ये एक additional step माना जाएगा। आगे बात करेंगे कि replication के इलावा और क्या-क्या किया जाता है cell के अंदर इस molecular way में। replication के इलावा you don't have to forget कि एक होता है transcription जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और दूसरा होगा translation। transcription के process में RNA का strand ये रहा दूसरे आरएनए से क्रिएट होगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो डीएनए था डीएनए से डीएनए बनाना तो आ गया पर डीएनए से आरएनए बनाने के लिए बी अटेंटिव प्लीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए हमारे पास डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड तो वैसे का वैसा ही होगा लेकिन इस बार बी अटेंटिव इस बार नया स्ट्रैंड डीएनए का नहीं बनेगा क्योंकि वो तो रेप्लीकेशन में थी अब हो रही है ट्रांसक्रिप्शन यहां पर हमने डीएनए से आरएनए बनाना है इस धागे को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे एक नया धागा आ जाएगा पर ये जो नया आएगा इसमें खास बात क्या होगी वो ये कि अगर डीएनए का स्ट्रैंड ए टी जी और सी शो कर रहा है तो जो आरएनए का धागा होगा उसमें टी की जगह पर यू लगेगा तो अगर यहां पर कहीं पर भी ए टी जी सी ए आ जाता है डबल ए आ जाता है ऐसे किसी स्टूडेंट के सैंपल में तो आपका जो आर एन ए का धागा बनेगा वो ए का यू के साथ बनेगा टी का ए के साथ जी का सी के साथ सी का जी के साथ ए का दोबारा यू के साथ और यू के साथ मतलब कि आर एन ए के थ्रेड में आपको कभी भी थायमिन देखने को नहीं मिलेगा इससे पता चलता है कि ये जो स्ट्रैंड है ये आरएनए है इन द स्ट्रैंड ऑफ आर यू विल सी एन एडिशनल न्यूक्लियोटाइड दैट इज यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमीन थायमीन की जगह पर यूरेसिल देखने को मिलेगा अब यहां पर देखा देखो फोटोकॉपिंग तो यहां पर भी हो रही है पर फर्क सिर्फ इतना है कि डीएनए ने अब अपने भाई को नहीं बनाना जैसे पहले बनाया डीएनए से आरएनए बनेगा फर्क कैसे पता चला जहां जहां टी है वहां वहां पर यू लगाना है बस तो दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बॉयज एंड गर्ल्स में एक चीज आपको बता दू नीट के पेपर में एक चीज पूछ लेते हैं डीएनए का वो धागा जिससे आपने सारी इंफॉर्मेशन उठानी है उसे क्या कहते हैं टेम्पलेट वो धागा जो बनेगा उसे क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी मगर डीएनए ने जब अपना प्रीवियस धागा खोला और उससे डीएनए बना तो दूसरे में लैगिंग स्ट्रैंड बनी थी पर ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होगा यहां पर जो आरएनए बनेगा बच्चे वो इस तरह से थ्रेड तो खुलेगा डीएनए का पर ये हमारे पास आ गया डीएनए का पहला थ्रेड और ये रहा वो थ्रेड जो आरएनए बना रहा है और ये रहा वो एडिशनल थ्रेड जो डीर से अलग हुए आप के पेपर में करने के लिए आपको पूछ लेते हैं इस थ्रेड को आप कोडिंग थ्रेड कहते हैं या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं कितनी अजीब बात है हर बच्चे को यह बात पता होनी चाहिए कि जिसको मैं कोडिंग स्ट्रैंड कह रही हूं वो किसी के लिए कोड नहीं करता नाम से सुनने पर जब आप इसे लर्न करोगे या इसके रटे लगाओगे तब आपको याद आएगा मैम ने कहा ठीक है. है. है तो कोडिंग स्ट्रैंड तो ये कोडिंग इससे करनी है जिसे आप टेम्पलेट बोल रहे हो बट आई इस स्ट्रैंड का नाम जिसका कोई लेना देना नहीं है ऊपर वाले रिएक्शन से इसका नाम ही कोडिंग स्ट्रैंड रख दिया गया है जो कि एक्चुअली नाम में कोडिंग है फंक्शन में कोडिंग नहीं है आई रिपीट नाम में कोडिंग है फंक्शन में कोडिंग नहीं है आर का ये स्ट्रैंड यूरेसिल के साथ ये रिपीटिशन कर देगा और हमारे पास आरएनए रेडी हो जाएगा आर किस तरह से रेडी होगा इसे हम लोग टू मिनट्स के ब्रेक के बाद स्टडी करेंगे कि हाउ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल अकर टेक अ क्विक रिविजन टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ टू मिनट्स वेलकम बैक थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह से रेप्लिकेशन होती है और डीएनए से डीएनए बन जाता है डीएनए से डीएनए बनने के लिए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहा जाता है डीएनए से आरएनए बनने को आप लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हो और आर से एमिनो एसिड बनने के लिए हमने वर्ड दिया था ट्रांसलेशन रेप्लीकेशन के लिए जो स्टेप्स अभी थोड़ी देर पहले हमने किए वो थे दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयरिंग किस तरह से हुई इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रांड कैसे हुए किस तरह से, 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 से प्रूफ तक पहुंच जाते हो तो इस पूरे स्टेप को हम लोग इस मोलिकुलर बेसिस में पढ़ते हैं अब जो सेकंड स्टेप हमने करना है वो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए डीएनए के एक स्ट्रैंड को उठाकर हमने दूसरा स्ट्रैंड आरएनए का बनाना है बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपने ये याद रखना है कि आरएनए विल बी फॉर्मड फ्रॉम डीएनए एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीएनए वी विल बी यूजिंग यूरेसिल दैट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग थैमिन वी आर गोइंग टू यूज यूरेसिल हाउ द यूरेसिल इज गोइंग टू बी यूज इसे जरा ध्यान से देखिए ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डीएनए से आरएनए खड़ा कर देंगे ये रहा आपका डीएनए का स्ट्रैंड जिसको आप लोग कहते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये रहा वो स्ट्रैंड जिसे आप कहते हो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा कि मैंने बताया नाम ही कोडिंग है इसने कोडिंग करना नहीं है कोडिंग करने के लिए यहां पर जो आप दूसरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रांड बनाओगे उसमें सब कुछ डीएनए जैसा होगा सिवाय थायमिन की जगह यूरेसिल लगा होगा बस ये रहा आपका डीएनए का हेलिक्स, और यहां पर इसका जो बिगिनर है इसके जो टर्म्स हैं, आई रिपीट इसके जो बिगिनर्स हैं, वो उसके लिए आप लोग कौन से टर्म्स यूज करेंगे

सिग्मा फैक्टर बाहर रह जाएगा और ये जो आपका एंजाइम है ये अंदर घुस इस डीएनए के इंफॉर्मेशन की कॉपिंग स्टार्ट कर देगा कॉपिंग कुछ इस तरह से होगी कि ए टी जी और सी की जो कॉपिंग होनी है वो यहां पर इस धागे को इसे इरेज करते जाना है और नया स्ट्रैंड बनता चला जाएगा तो जो नया स्ट्रैंड होगा उसमें हमें टी की जगह यू दिखेगा वॉट आई मीन टू से जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी ये वाला स्ट्रैंड रिप्लेस होता जाएगा और आर का स्ट्रैंड बनता चला जाएगा आपको कैसे पता कि पताएनए का स्ट्रैंड बन रहा है क्योंकि हर जगह धीरे धीरे यूरेसिल बनता चला जाएगा मानो कि आप कपड़े प्रेस कर रहे हो तो जैसे जैसे वो प्रेस आपके कपड़ों के ऊपर ऊपर जाता जाएगा तो पीछे की तरफ वो वहां से प्लेन होता जा रहा है सिमिलरली जैसे जैसे ये बबल बनता जाएगा बबल इसके अंदर एंटर कर जाएगा जैसे जैसे ये एंजाइम यहाँ पे क्रॉस करेगा पीछे की तरफ आर बनता जाएगा आगे की तरफ डीएनए रहेगा थोड़ी देर में आगे का डीएनए भी जो है वो दोबारा आर में कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन इसमें इनिशिएशन फैक्टर आपका सिग्मा फैक्टर है सिग्मा और इसमें जो आपका एंडिंग दैट इज द टर्मिनेटिंग फैक्टर है उसे हम कहते हैं द रो फैक्टर और बीच में जो इलांगेटिंग एंजाइम्स हैं, वो धीरे धीरे इस पूरे के पूरे डीएनए को आरएनए में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं जिसको आप लोग कॉल करते हो ट्रांसक्रिप्शन जहां जहां से इस एंजाइम ने गुजरना है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल ट्रांसक्रिप्शन बबल जैसे जैसे बनता चला जाएगा वैसे वैसे पूरा का पूरा थ्रेड डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होकर आर में कन्वर्ट हो जाएगा वो कौन से कौन से एंजाइम्स हैं? जो इस दौरान यूज होते हैं तो आपके पास तीन एंजाइम्स हैं जो यहां पर पॉलीमराइजेशन करेंगे हर बच्चे को पता है पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है आर एन ए पॉलीमरेज वन आर एन ए पॉलीमरेज टू और आर एन ए पॉलीमरेज थ्री हु आर दीज दीज आर दोज एंजाइम्स विच आर गोइंग टू हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन तो इनके फंक्शन अलग अलग हम इस तरह से समझेंगे आर एन ए पॉलिमरेज वन न्यूक्लियोलस के अंदर लोकेटेड है सेल के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और जो अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है वो है न्यूक्लियो तो न्यूक्लियोलस के ऊपर लोकेटेड है आपका आरएनए पॉलीमरेज वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लीकेशन आर एन ए पॉलिमरेज टू छोटी छोटी जगह पे ट्रांसक्राइबिंग करके यूरेसिल लेकर आता है आर एन ए पॉलीमरेज थ्री एज अ होल पूरे स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन करके इस फैक्टर को अलग से यहां पर गिरा देता है तोड़ देता है तोड़ने वाले फैक्टर को हम रो फैक्टर बोलते हैं जो यहां पर आके टर्मिनेशन करा देगा वॉट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन टर्मिनेशन मीन्स किसी भी चीज को एंड कर देना खत्म कर देना और यहां पर हमारा टर्मिनेटिंग फैक्टर है रो तो नीट के पेपर में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग फैक्टर तो आपने रो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिंग फैक्टर तो आपने सिग्मा बताना है दिस इज हाउ ट्रांसक्रिप्शन विल अकर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगी लेकिन ट्रांसलेशन में एंटर करने से पहले दो तीन चीजों की बात करेंगे हम आप लोगों ने सुना होगा जेनेटिक कोड हम इंसानों में जेनेटिक कोड क्या है आप लोगों के एनसीआरटी में इसका फुल चार्ट बना हुआ है कीपिंग योर प्रेशियस टाइमिंग इन व्यू आई विल नॉट बी ड्रॉइंग होल ऑफ द जेनेटिक टेबल इट सेल्फ लेकिन आप लोगों को याद आ गया होगा कि मैम क्या बताना चाह रहे हैं जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोडोन ट्रिपलेट कोडोन ये है क्या ट्रिपलेट कोडोन का मतलब होता है आप लोगों की बॉडी में अमीनो एसिड किस सीक्वेंस के साथ लगे हुए हैं उसे जेनेटिक कोड कहते हैं जॉर्ज गैमो ने फर्स्ट टाइम आई रिपीट जॉर्ज गैमो ये जितने भी नाम आते हैं इन्हें इग्नोर नहीं करना बेटा आपने ये सब आपके नीट में भी देखने को मिल जाएगा और एनसीईआरटी में तो है ही जॉर्ज गैमो वो बंदा था जिन्होंने ट्रिपलेट कोडोन की नेमिंग बताई इन्होंने जेनेटिक कोड को बताया कि व्हाट एक्चुअली जेनेटिक कोड इज और इन्होंने ये बात भी समझाई कि जेनेटिक कोडोन एक ट्रिपलेट कोडोन है लेकिन इस ट्रिपलेट कोडोन को क्रैक करने का काम तीन लोगों ने किया वो है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना फ्रॉम इंडिया अब डॉक्टर हरगोबिंद खुराना की बात करें तो इनकी बात इस जेनेटिक कोड की क्रैकिंग में ही आती है कि हमारी बॉडी में कोडोन ट्रिपलेट है और वो कैसे क्रैक किया गया हरगोबिंद खुराना ने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी दो और लोग जिन्हें नोबल प्राइज अवार्ड किया गया अपार्ट फ्रॉम हरगोबिंद खुराना वॉज ओशो और जो तीसरा नाम है वो है निरनबर्ग बेटा पेपर में पूछ लेते हैं विच वर अदर टू पीपल

सबको पता है कि टोटल आप लोगों के पास ए यू जी और सी ये कोडोन्स हैं अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज बनाती हूं तीन तीन का ए यू जी ए यू सी ए यू, यू, ए यू, तो मतलब एक से मेरे पास कितने बन गए चार ट्रिपलेट ट्रिपलेट कोडोन्स अगर मैं बनवाऊं तो सिमिलरली अगर मैं बनाते अगर आप बनाते हो सी यू तो सी यू से कौन से कौन से शुरू होंगे सी यू पहले वाला सी यू सी यू सी यू सी यू अब ये सी यू सी यू के साथ सी यू ए सी यू जी सी U सी यू ए जो आखिरी वाला बेटा आप देख रहे हो ना बदलता ये है जो आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड है ये चेंज होगा शुरू के दो वाले तो हो ही नहीं रहे सिमिलरली ये है U जी तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हो कि बाकी के कौन से होंगे U तो सेम ही हो गया सबका और ये हो गया ए यू ए ए अगर एक एक ट्रिपलेट कोडोन इस तरह से बनेगा चार चार की कॉम्बिनेशन के साथ तो इस तरह के ट्रिपलेट कोडोन्स टोटल चार्ट बना देगा 64 फोर प्रोबेबिलिटीज का इन 64 फोर में ए यू वाले में सी यू वाले में सी ए वाले में जी यू जी सी जी ए इस तरह करते करते आपके पास 64 के ट्रिपलेट ट्रिपलेट कोडोन्स बन जाएंगे इनमें से आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों का ए यू है इनमें शुरुआती देख रहे हो सारे सेम है पर आखिरी वाला पोजीशन चेंज हो जाता है इस पोजीशन को हम कहते हैं वॉबल पोजीशन या वॉबल हाइपोथेसिस वॉबल हाइपोथेसिस क्या था इन लोगों ने यह थियरी दी कि वॉबलिंग तब होगी जब आखिरी वाला अपनी जगह छोड़ेगा बाकी के दोनों तो सेम है स्टेबल है पर आखिरी वाला जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा इस हिलने डुलने की पोजीशन को हम वॉबलिंग कहते हैं जैसे एक बॉल को अगर आप अपने हाथ पे उछालो तो किस तरह से बंप करता है तो उसे हम कहते हैं यहां पर इस पोजीशन को आखिरी पोजीशन को ही वॉबल पोजीशन माना जाता है आउट ऑफ सिक्सटी फोर कोडोन्स तीन कोडोन्स ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते जिसमें सबसे पहला है यू ए ए जिसे आप लोग जिसके आप लोग इस नाम से भी बुलाते हो ऑशर, ऑशर, तीसरा है यू एजी एम सॉरी दूसरा यू ए जी जिसे आप बोलते हो एम्बर और तीसरा है आपका यू जी ए जिसे आप बोलते हो ओपल मैं आपको बता दूं तीनों के तीनों सुनने में आपको जेम स्टोन लग रहे हैं और ये सच है रंगों के हिसाब से नगों के हिसाब से रंगों के हिसाब से इनके नाम रखे गए ऑशर एम्बर एंड ओपल आर एक्चुअली द थ्री कलर्स विच आर डिटर्मिनिंग डीज थ्री कोडोन्स इन कोडोन्स को ध्यान से देख लीजिए रेप्लीकेशन के दौरान ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ट्रांसलेशन के दौरान इन तीनों का कोई रोल नहीं होता सिर्फ इतना रोल होता है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी नजर आ गया तो आपका जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा आई रिपीट ट्रांसलेशन विल स्टॉप इसलिए इन तीनों को हम स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं यू ए एंड यू जी एस स्टॉप कोडोन्स चलो ये तो समझ में आ गया कि स्टॉप कोडोन्स किस तरह से सिचुएशन को रोकेंगे ट्रांसलेशन को रोकेंगे वॉट अबाउट द स्टार्ट कोडोन स्टार्ट कराने वाला एक मेन है That is ये आपको जहां पर भी नजर आ जाए समझ लो ट्रांसक्रिप्शन शुरू इसीलिए इस कोडोन को हम स्टार्ट कोडोन कहते हैं स्टार्ट कोडोन कहते हैं और इसका पूरा नाम मीथियोनिन मीथियोनिन तो मीथियोनिन इज मेट या एयजी कह सकते हो आप इट इज द स्टार्ट कोडोन तो आउट ऑफ 64 तीन स्टॉप कोडोन्स एक स्टार्ट कोडोन तीन स्टॉप पे तीनों का कोई यूज नहीं है इसका मतलब जो यूजेज या यूटिलिटी में है वो 61 एक्टिव ट्रिपलेट कोडोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की बेटा ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है इसमें आप लोगों ने एक स्ट्रैंड ऑफ आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना है प्रोटीन मतलब कि अमीनो एसिड में इसे समझेंगे तीन किस्म के आर एन है हमारे पास ये काम भी आर एन कराएगा बेटा मैसेंजर आर एन ट्रांसफर आरएनए एंड आर आर एन ए जिसे आप राइबोसोमल आर एन ए के नाम से भी जानते हो तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर एन ए ये जो मैसेजर आर एन ए है इस पर एक एक्टिवेटेड ट्रांसफर आर एन ए आ जाएगा ये रहा बेटा वो ट्रांसफर आर एन ए और इस एक्टिवेटेड ट्रांसफर आर एन ए ने एक्टिवेटेड आई रिपीट मिथियोनिन को कैरी कर रखा है मिथियोनिन जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में, में मेट बोलते हो तो आप समझ जाओगे कि मेट ने जो ट्रिपलेट कोडोन कैरी करेगा वो है ए यू और जी जैसा कि ये नज़र आ रहा है आपको अब ट्रांसफर आर एन ए पर तो हजारों कोडोन्स हैं। कैसे पता चलेगा इस ए यू जी को कि मैंने काम कहाँ से शुरू करना है क्लास में सब बच्चे बहुत समझदार हैं अब तक आप समझ गए होंगे कि ए यू जी अपना काम वहीं से शुरू करेगा जहां से इसको इसका कॉम्प्लीमेंटेरिटी नजर आएगा यहां पर कॉम्प्लीमेंटेरिटी जरा देख ले क्या नजर आना चाहिए ए के साथ यू यू के साथ ए और जी के साथ कौन बॉन्ड बनाता है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी के हिसाब से सी तो जहां पर भी यू जी को यू ए सी नजर आ गया वहां पर सेल ने अपनी बॉन्डिंग शुरू कर देनी है टेम्पररी बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर इस मिथियोनी ने खुद जो कि एक अमीनो एसिड है यहां पर इसके साथ टेम्पररी बॉन्डिंग शो करके पेप्टाइड की प्रेपरेशन कर देगा अटेंटिव रहेंगे एयू जी के बाद एक और एक्टिवेटेड आएगा कोई भी हो सकता है समझ लो सी यू यू आ गया तो सी यू यू ने इधर आके अपना कॉम्प्लीमेंटैरिटी ढूंढना है और वहां पर आके बॉन्ड बना देना है फिर एक और आ जाएगा फिर एक और फिर एक और फिर एक और ऐसे करते करते इस स्ट्रैंड के ऊपर कई सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे अमीनो एसिड जुड़ते कैसे जरा ध्यान देना सभी बच्चों को अच्छी तरह से पता है केमिस्ट्री में आपने किया कार्बन कंपाउंड्स में कि अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होगा एक एसिड ग्रुप होगा ये रहा अटेंटिव रहेंगे एक का अमीनो एसिड दूसरे के साथ काम कैसे करेगा समझो ये भी अमीनो एसिड लेकर आया है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दू बात तो एक ही है इसका एनएच टू इस साइड है बी अटेंटिव अभी असली बात यहीं पर आएगी द पंच ऑफ द टॉपिक मिथियोनिन ने जो एन एच टू इस साइड रखा है मैं आप लोगों को इजी करवाने के लिए ऐसे लिख देती हूं ध्यान से देखिए इस एन एच टू को मैंने ऐसे लिख दिया और यहां पर जो दूसरा अमीनो एसिड है जिसने बॉन्ड बनाना है यहां पे नीचे आके उसका जो एसिड ग्रुप है ये रहा उसको मैं एच ओ ओ सी ऐसे लिख दूंगी अब यहां पर हर बच्चे को पता है कि जब भी प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उस वक्त वाटर लॉस हो जाती है वाटर का मतलब एच टू हो तो जैसे ही यहां पर माइनस एच टू होगा ठीक उसी टाइम पर हमें नजर आ जाएगा कि डिहाइड्रेशन हो गई है और डिहाइड्रेशन होते ही NH एक साइड और दूसरी ओर ओ सी का बॉन्ड रेडी हो जाएगा जो इस बात को साबित करेगा कि दोनों के दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए हैं एवरीबडी नोज दैट जब भी अमीनो एसिड आपस में जुड़ेगा तो बीच में बनने वाले बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड है पर बॉयज एंड गर्ल्स आप देख रहे हो ना पेप्टाइड एक थोड़ी बने एक यहां बन गया एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां ऐसे करते करते कितने बन जाएंगे और हमारी साइंस में बहुत सारे के लिए क्या वर्ड है पॉली ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे हो गए तो पॉलीपेप्टाइड दो हो गए तो डायपेप्टाइड ऐसे करते करते पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा और पॉलीपेप्टाइड का दूसरा नाम हमारे साइंस में क्या है प्रोटीन तो इस तरीके से आप आरएनए से प्रोटीन बना सकते हो ठीक है दिस इज हाउ अ पॉलीपेप्टाइड इज क्रिएटेड एनएच और ओसी बॉन्ड के बीच में तीनों स्टेप रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा रुकेगा कब ये जो स्ट्रैंड है मैसेजर आ रहे पर, ये कब रुकेगा जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका यूए यूए यूएजी यूए जी और यूजीए में से कोई भी एक ट्रिपलेट कोडोन रास्ते में आ गया तो उसी टाइम इस ट्रांसफर आर ने बॉन्ड बनाना बंद कर देना है कि सॉरी टू से इन तीनों में से एक चीज नजर आ रही है वहीं पर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कोडोन्स दैट इज ऑशर एम्बर एंड ओपल तीनों को स्टॉप कोडोन से डिजिग्नेट किया है इसके साथ आपके रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को हम लोग एंड करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात होगी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की थोड़ी सी हम बात करेंगे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे साबित हो गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है और आरएनए नहीं है कई सारे ऑर्गेनिज्म सामने आए जेनेटिक मटेरियल जो शो करते थे कि हमारा जेनेटिक मटीरियल डीएनए है इसे साबित किया जाए किस तरह से किया ग्रिफिथ एक ऐसा पर्सन जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया चूहों पर और चूहों पर ही एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि ये बात कौन साबित करेगा कि जेनेटिक मटीरियल या आगे लेके जाने वाला मटीरियल डीएनए ही है और आर एन ए नहीं है इसके लिए ग्रिफिथ ने एक ऐसी बीमारी चूहों की टेकअप कर ली जिसे समझना बहुत आसान हो गया था क्या थी वो बीमारी और ये चीज कैसे आकर हुई इसे इन नट शेल आप लोग देखोगे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में इसने कुछ चूहे ले लिए और इन चूहों को एक बीमारी जबरदस्ती कॉज करवा दी गई बीमारी का नाम था निमोनिया ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे चूहों को भी निमोनिया होता है जी बिल्कुल होता है चूहे भी हमारी तरह मैमल्स हैं और यह निमोनिया किस तरह से करवाया गया इंड्यूस किया गया थ्रू अ पैथोजन कॉल्ड डिप्लोकोकस निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिये पैथोजन को इंजेक्ट करना था अब मैंने कोकस कहा तो हर बच्चा समझ गया होगा बात बैक्टीरिया की हो रही है चूहों के अंदर चूहों के अंदर इसको इंजेक्ट करने का मतलब हुआ कि यह चूहा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा इसका पता कैसे लगाया गया कुछ इस तरह से अगर तो इस डिप्लोकोकस निमोनिया के दो रूप देखे गए एक रूप देखा गया बेटा विरुलेंट विरुलेंट मतलब कि 100 परसेंट चूहा मरेगा और ये विरुलेंट स्टेज स्मूद था मैं बैक्टीरिया ऐसे गोल करके शो कर रही हूं आपको कुछ लाइक like दिस और जो दूसरा है वो नॉन विरुलेंट है उसमें मैं बैक्टीरिया के ऊपर आपको एक छोटा सा प्रोटीन कोट दिखा देती हूं जिसे पता चलता है कि अगर ये नॉन विरुलेंट चूहे पर असर करता है तो वट है अगर नॉन वेरुलेंट ने चूहे पर असर किया मैंने नॉन बोला नॉन तो इसका मतलब बच जाएगा चूहा अगर मैंने ये इंजेक्ट कर दिया चूहे में ग्रिफिथ ने क्या किया नॉन वेरुलेंट को चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा सर्वाइव कर गया और जब वेरुलेंट इंजेक्ट कर दिया गया तो ऑब्वियसली द चूहा वॉज डेड द माउस वॉज डेड इससे पता चल गया कि यह बैक्टीरिया निमोनिया करा रहा है और चूहे मर रहे हैं अब यह साबित करना है यह साबित करना बाकी रह गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है यह कैसे पता चला जब इस नॉन विरुलेंट को हीट कर दिया गया तो इसका यह लेयर जो है वो टूट गया और यह जो विरुलेंट था जब इसे हीट कर दिया गया हीट किल कर दिया गया तो इसके अंदर भी हमें देखने को मिला कि इसके ऊपर की जो लेयर है उस पर असर हुआ पॉलीसेकराइड की लेयर पर अब अगर मैं विरुलेंट को हीट किल्ड कर दूं बी अटेंटिव बॉयज एंड गर्ल्स अगर मैं विरुलेंट को हीट किल करूं हीट किल का मतलब है कि अगर आप इसे हीट किल कर देते हो तो कितनी अच्छी बात हो जाती है कि हीट किल करने पर बैक्टीरिया को हीट किल करना है चूहे को नहीं बैक्टीरिया को किल करने पर चूहा सरवाइव कर जाता है अब तो हर बच्चे को समझ में आ गया होगा कि अगर बैक्टीरिया को हीट, हीट किल करके ग्रिफिथ ने इंजेक्ट किया तो चूहा बच गया और नॉन वेरुलेंट तो ऑलरेडी बीमारी नहीं कर रहा था अब हीट किल्ड कैसा हो गया नॉन वेरुलेंट कैसे पता चला चूहा बच गया अब इस नॉन वेरुलेंट को इस नॉन वेरुलेंट के साथ कंबाइन कर दिया गया तो यहां पर तो कोई भी बच्चा बड़े आराम से बता देगा कि मैम जब हीट किल करके चूहा बचा अब अगर आप इसको ऑलरेडी नॉन वेरुलेंट के साथ मिलाते हो तो इसमें भी चूहा बचना चाहिए बट बॉयज एंड गर्ल्स सॉरी टू से आपका आंसर गलत है चूहा नहीं बचता और क्यों नहीं बचता यह चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है क्यों भाई जब नॉन वेरुलेंट था वो भी नॉन वेरुलेंट है तो फिर तो चूहा बचना चाहिए लेकिन क्यों नहीं बचा क्योंकि जो हीट किल्ड था उसका सिर्फ अपर कोट उतरा लेकिन इससे यह साबित हो गया कि अंदर कोई चीज है जो बीमारी को आगे ले गई और फिर साबित हुआ कि वो अंदर जो चीज है वो डीएनए है ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि हीट किल करने पर तो बाहर का कोट ही उड़ाया था अंदर के डीएनए के साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं की गई जिससे यह साबित हो गया कि वो डीएनए था जिसके वजह से चूहा मर गया तो अब मैं आपको बताऊंगी चूहा मरा क्यों ये जो विरुलेंट था जिसे आपने नॉन वेरुलेंट बना दिया और ऑलरेडी जो नॉन वेरुलेंट था इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं लेकिन कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में जो नॉन वेरुलेंट का डीएनए था उसने वेरुलेंट के डीएनए को कॉपी किया और अपने अंदर के डीएनए को जो एक्चुअली वेरुलेंट है मार सकता है चूहे को वो आगे जाके डोमिनेंट हो गया और चूहा मर गया लेक्चर स्टार्ट कराने के टाइम पर मैंने आपको बता दिया था वॉट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट अब यहां पर विरुलेंसी आगे आ गई क्यों नहीं विरुलेंसी खत्म हुई क्योंकि खत्म किया गया सिर्फ लेयर, सेल सेलवॉल अंदर का डीएनए नहीं इसीलिए वो चूहा मर गया इसे कहते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पेपर में पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने बताई तो आपने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की ही बात करनी है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल मीन्स द विरुलेंट द नॉन विरुलेंट गॉट कन्वर्टेड इन टू विरूलेंट दैट इज लेवा फॉर्म अ फेटल फॉर्म ड्यू टू विच द माइस वर डेड सो दिस वॉज समथिंग अबाउट की हाउ डिड एक्चुअली डीएनए केम इन टू और डीएनए का पता कैसे लगा कि जी वो डीएनए ही है जिसके वजह से हमारे फीचर्स आगे जाते हैं इस केस में तो बेटा बीमारी को ही फीचर समझा गया है लेकिन हम चाहें तो यहां पर इंसान की हाइट हेल्थ टाइप ऑफ आई कलर ऑफ आई टाइप ऑफ हेयर टाइप ऑफ ईयर लोब किसी भी फीचर को दिमाग में रखकर इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि यस जो डीएनए है वो ही आगे जेनेटिक मटेरियल है इस तरह से साबित हो गया द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए नॉट द आर एन ए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात एक बार इनकी भी कर लेते हैं हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट हर्षे एंड चेज ये वो दो लोग थे जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि डी एन ए आगे जाके रेप्लीकेशन करता है और डीएनए ही है जिसने जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन शो की है और वो डी एन ए ही है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है इसके डिटेल्स में तो जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी मगर आपने इतना जरूर याद रखना कि की चेज ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था हर्ष एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए आर का इस्तेमाल किया और इसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट करा दी पंगा यह था कि बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट कराने के दौरान बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस बुलाया गया अब बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस को क्या बोलोगे आप बार-बार बैक्टीरिया ईटिंग वायरस तो कहोगे नहीं तो यहां पर मैं उस वायरस का नाम यूज कर रही हूं कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं और इस बैक्टीरियोफाज को जो बैक्टीरिया खा जाता है इसे यूज किया गया इस एक्सपेरिमेंट के लिए और साबित हो गया कि रेडियो एक्टिव सल्फर पे ये किस तरह उगे और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे किस तरह से उगे और किस तरह से बैक्टीरियो वायरस ने इस बात को साबित किया कि आर भी कोई चीज है हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटीरियल द डीएनए विच इज द ओरिजिनल जेनेटिक मटीरियल विच एक्चुअली इज हेल्पफुल इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बैक्टीरियो फाज इससे पता चल गया कि जरूरी नहीं है बेटा कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल हो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है थोड़ी देर पहले डिस्कस किया तो था ऐसे जेनेटिक चीजें ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है आरएनए है अगर डीएनए तो हो ही नहीं सकता पहली बात तो तो डीएनए हमारा हो गया और वायरसेस में अगर आरएनए इज द जेनेटिक मटीरियल तो ऐसे वायरसेस के लिए भी नाम दिया गया है हमारे साइंस में रेट्रोवायरस तो बेटा अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज अ रेट्रोवायरस तो आपको पता होना चाहिए वायरस विच हैज आर एन एज अ जेनेटिक मटीरियल एंड नॉट डी एन एज नोन एज ए रेट्रो वायरस सभी बच्चों को बता दूं कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस दैट इज द एच आई वी वायरस जिसके वजह से जानलेवा एड्स हो जाता है वो एक रेट्रो वायरस है एड्स का वायरस जब तक आपकी बॉडी के बाहर पड़ा है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन एक बार वो आपके बॉडी के सिस्टम में एंटर कर जाए चाहे वो सलाइवा के थ्रू ब्लड के थ्रू प्रेग्नेंट लेडी से उसके बेबी में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू अगर एंटर कर जाए तो ये एच वायरस आपके सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है और अंदर ही अंदर जाके ट्रांसफॉर्मेशन करके इस पर्सन की बॉडी में इम्यूनिटी खत्म कर देता है इस तरह से कंक्लूसिवली हम इस बात को खत्म करेंगे यहां पर कि हाउ डज अट्रो वायरस एक्चुअली वर्क एच आई वी वायरसेज आर रेट्रोवास रेट्रोवायरसेज नॉर्मली हैव आर एन एज द जेनेटिक मटीरियल इन अ नटशेल हमारे में रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है रेट्रोवास में पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर डीएनए बनेगा फिर आर बनेगा और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होगी जिससे फोर स्टेप्स दैट इज सेंट्रल डोगमा को वो यहां पर कवर अप करवाएंगे दिस इज एंड ऑफ द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होप्सो आप लोगों को यह चीज प्रॉपरली समझ आ गई हो नहीं आ गई हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एनी प्रॉब्लम दैट यू फाइंड इन ईयर वुड बी सॉर्टेड आउट एज क्विकली एज पॉसिबल रिवाइज प्रॉपरली हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच